प्रभु, आप लोग क्यों बच्चे की जान ले रहे हैं? अभी पानी बहुत ठंडा है, मैं बाद में नहा लूंगा। कैलाश पर रहने वाले कब से ठंडे पानी से डरने लगे नंदी जी? हम सब भी आपके साथ नहाने वाले हैं। नहीं प्रभु, अभी नहीं नहा सकता मैं, मेरा व्रत है। व्रत? नहाने का व्रत कौन रखता है? व्रत नहीं प्रभु, व्रत नहीं, प्रतिज्ञा ली है मैंने। मैं दोपहर को ही नहाऊंगा। ये क्या बोला? यही कि हम सब समझ गए नंदी जी। पानी पानी बहुत ठंडा है प्रभु। तेरी गर्मी मैं दूर करूंगा। प्रभु, केकड़ा सुर तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया। वो यही कहीं से नंदी जी को लेकर गया है मूषक। हमें रास्ता खोजना होगा। प्रभु, रास्ता यहाँ है। मैं तुझे भून कर खाऊंगा। कौन हो तुम? मुझे गर्मी लग रही है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों छोड़ दूं? तुझे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए पकड़ा है। नंदी जी को छोड़ दे दुष्ट केकड़ा असुर। अरे वाह, आज तो 56 भोग खाने को मिलेंगे। प्रभु बाल गणेश, इस दुष्ट ने हमारे नंदी जी को सताया है, इसे तोड़ फोड़ डालिए। ये मुझे तोड़ेगा फोड़ेगा, इसकी तो मैं चटनी बनाकर खाऊंगा। पर खैर, चलो ठीक है, एक अवसर दिया मुझे पीटने का। चल भाई बाल गणेश, पीट डाल मुझे। अब तो तू गया। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं, मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ। बस करिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी सेना के साथ कहीं दूर चला जाऊंगा। तो अभी निकल जाओ, वरना
भागो। हिम हिम हाम अमर स्वाहा, हिम हिम हाम अमर स्वाहा, हिम हिम हाम अमर स्वाहा। प्रकट हो ये दानव राजा, प्रकट हो ये, और बताइए मुझे अमृत धारा कहाँ मिलेगी। सुनो ज्वाला असुर, अमृत धारा पाने के लिए तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी। जो आपने मांगा है दानव राजा, वो आपको अवश्य मिलेगा। गरुड़ा। क्षमा असुरराज, आंख लग गई थी। बोलिए क्या काम है। जाओ और एक बच्चे को यहाँ लेकर आओ, मुझे उसकी बलि देनी है। जल्दी जाओ। जी। प्रभु जरा देखिए, आज मैं ये क्या बना कर लाया हूँ। अरे वाह, ये तो लड्डू है। क्या ये चलता भी है ब्रिंगी? प्रभु क्यों मजाक कर रहे हैं? अभी चला कर दिखाता हूँ। प्रभु बचाइए हमें। प्रभु अरे मूर्ख, मैंने तो एक बच्चा लाने को कहा था, तुम इतने सारे क्यों ले आए? असुरराज, मैं तो एक ही लाया था, ये इतने सारे कैसे हो गए? खैर कोई बात नहीं, एक ही बच्चे की बलि देनी है, वो मैं दे दूंगा, जिसके बाद दानव राजा खुश होकर मुझे अमृत धारा दे देंगे, जिसे पीकर मैं अमर हो जाऊंगा, और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में ज्वाला असुर का ही राज होगा। ज्वाला असुर, तेरे अमर होने का तो पता नहीं, लेकिन तुम मर जरूर जाएगा। कौन मारेगा मुझे? कौन और कौन? हमारे प्रभु बाल गणेश ही मारेंगे। ये नन्हा सा बालक मारेगा मुझे? अरे मूर्खों, मैं इसकी ही तो बलि देने वाला हूँ। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे इस बालक को अगर मुझे मारने का इतना ही मन है तो चलो कर लो अपनी इच्छा पूरी, आओ मारो मुझे। क्या हुआ, तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ। और मैं आग उगलता हूँ। Oh!
बस बस बाल गणेश, मुझे नहीं लड़ना आपके साथ, क्षमा करो मुझे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस गलती हो गई मुझसे। अमर होने के चक्कर में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन आपसे पिटने के बाद बुद्धि ठिकाने पर आ गई है। मुझे अमर नहीं होना है, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं ज्वाला असुर, मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ। प्रभु, अगम पूछ रहा है कि इस पर्वत को सागर माथा क्यों कहते हैं? इसका पता तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा बगम, चढ़ते रहो। प्रभु, अगम कह रहा है कि आपने सही कहा था, ऊपर आने के बाद ही पता चलेगा कि इस पर्वत को सागर माथा मतलब के आसमान का माथा क्यों कहते हैं। क्योंकि हम आसमान में ही हैं। पर तुम सब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ से प्रकृति की सुंदरता दिखाने लाया हूँ। तो फिर किसके लिए लेकर आए हैं प्रभु? मैं यहाँ तुम्हें खेल खेलने के लिए लाया हूँ। जो यहाँ से सबसे पहले नीचे पहुँचेगा वो जीत जाएगा, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे केले के पत्तों का। हम तो सोच रहे थे कि चोटी पर पहुँचकर आप इन्हीं केले के पत्तों पर हमें मोदक परोस कर देंगे। चलिए ठीक है, खेल ही सही, पर प्रभु आप तो चुटकी बजाते ही नीचे पहुँच जाएंगे और जीत जाएंगे, फिर ये प्रतियोगिता क्यों? मूषक सही कह रहा है प्रभु, अगर ये खेल खेलना है तो आपको अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना होगा। खेल शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी जीता जा सकता है नंदी जी। ठीक है प्रभु, आज आप बुद्धि का ही प्रयोग कीजिए। जैसी तुम सबकी इच्छा, मगर देख लेना जीतूंगा तो मैं ही। शुरू करो, 1, 2, 3। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं वो ऐसे ही जाते हैं, और बुद्धि का प्रयोग करने वाले ऐसे। मैंने कहा था ना, खेल बुद्धि से जीता जाता है। प्रभु फिर से जीत गए। मूषक, नंदी, अगम, बगम, ब्रिंगी, हाथ पकड़ो। Oh!
प्रभु प्रभु आप कहाँ हैं? आया आया ओ ओ प्रभु आप कहाँ हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता नंदी जी? हमारे प्रभु चले गए। कौन प्रभु? कहाँ गए हैं? वो पानी में हैं। प्रभु प्रभु बाल गणेश क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रहे हो? आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? ये क्या है? प्रभु देखिए मुझे कमरे की सफाई में क्या मिला। हा? मेरा बचपन, मेरे कंचे। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मूषक ये कह रहा है, क्या तुम इसे कुछ कंचे दे सकते हो खेलने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं अगम। तुम्हें छोटे बड़े, लाल, पीले, नीले, हरे, जो भी कंचे पसंद हैं, ले लो, पर कल वापस अवश्य कर देना। अच्छा हुआ प्रभु जो आप आ गए, इसे अब तक होश नहीं आया है। अरे वाह, तुम तो एकदम अच्छे लग रहे हो अगम। चलो फिर मेरे कंचे लौटा दो। या या ओ ओ ओ ओ ओए ओए। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये पूछ रहा है कि हम सब कौन हैं? मतलब इसकी याददाश्त गई प्रभु। प्रभु कोई चमत्कार कीजिए, अगम हमें भूल गया तो हमें बहुत दुख होगा। हाँ प्रभु, और मुझे मेरे कंचे भी नहीं मिल पाएंगे। इसकी याददाश्त सच में चली गई है। अब इसके इलाज का एक ही रास्ता है,
और वो रास्ता क्या है प्रभु? इसके दिमाग की चिकित्सा, एक बड़ी आरी से इसकी खोपड़ी काट कर इसके दिमाग की कोशिकाओं को ठीक करना होगा। क्या हुआ गम? याददाश्त वापस आ गई ना? या या ओ ओ ओए ओए ए ए झूठ मत बोलो गम, मैं जानता हूँ तुमने याददाश्त जाने का नाटक किया था, वो भी इसलिए कि तुम्हें मूषक के कंचे वापस ना करने पड़े। सही कहा ना? या ओ आपने सही कहा प्रभु। मेरे कंचे। आगे से ये नौटंकी दोबारा की ना गम, तो सच में तुम्हारा सर आरी से काट कर खोल दूंगा। <laughs> 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 <laughs>